एक दो मिनट, दो मिनट, लास्ट फोटो। यस चले, वेट वेट, अरे ले छोटू, अरे छोटू, छोटू गद्दार, चलिए चलिए चलिए, थैंक यू, सोलो कर ले सही है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तहे दिल से, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। मैं चाहता हूँ शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो देख लें, ताकि जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ बोल रहे जिमी जी, हैं जिमी जी, आप प्लीज़ गाना प्ले करें जरा आमिर अली के लिए। ये हमारा भाई बहुत ही हैंडसम है, इनफैक्ट जब ये वीडियो बन रहा था, जब ये गाना हमारा बना, तो गाना बहुत अच्छा कंपोज किया था शारिक तोशी ने, और ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने बोला यार मुझे कुछ अलग करना, बिकॉज 99% सारे मेरे गाने जो पार्टी नंबर हैं और चल ही रहे हैं आप लोगों की दुआ से। तो मैं कुछ ऐसा चाहता था कि मेरा जब शो, जब कॉन्सर्ट शुरू होता है, तो गाना कुछ स्लो हो, ताकि मैं शुरुआत स्लो गाने से करूँ, ये तो सारे डिंग डिंग नीचे नीचे सारे गाने हिट होते हैं। तो गाना इनसे मैंने मांगा, तो इनके नखरे बहुत थे, क्योंकि ये गाना इन्होंने जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स के लिए बनाया था, हालांकि मैं बहुत बड़ा, इनको ये पता नहीं है। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बार गाना ट्राई करना, और किसी हमारी मूवी में आ रहा था, जो मैंने डेंजरस एक मूवी बनाई थी, काफ़ी डेंजरस मूवी रही वो, बिपाशा थे और करण सिंह ग्रोवर में थे, विक्रम भट्ट जी ने वो फिल्म बनाई थी, तो उस फिल्म में हमारा गाना आना था। तो मैंने कहा ये गाना बहुत बड़ा यार, तो हमें इस गाने को रोकना चाहिए और इस गाने के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा रुक के रिलीज़ करेंगे। करते करते गाने को 2 साल हो गए, और फिर जब हम डायरेक्टर के पास ये गाना लेके गए, तो बोलते हैं आपको मीका सिंह को हमने कबीर सिंह बनाना है। तो मैं यार मीका सिंह जैसे करेक्टर के ऊपर फिल्में बनती हैं, मैं कबीर सिंह बनता अच्छा लगता, हालांकि ऑलरेडी शायरी पूरी इतना हैंडसम लगा है कि आप बाइक पे जाएंगे और आप मॉडल को यूं घुमाएंगे, ये मैं क्या मुझे नहीं करना, उसके लिए हमारा ये हीरो है, इतना हैंडसम हम आमिर है और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल गॉर्जियस आदिति है, तो क्यों ना हम उनसे एक्टिंग कराएं, और हम तीनों भाई जो हमारा काम है हम वही काम करें। अक्सर सिंगर खुद ही आजकल एक्टिंग करते हैं, भले वो अच्छे दिखते या नहीं दिखते, लेकिन हमने कहा हम खूबसूरत चेहरे लेते हैं। सो लेट्स ओके, सो जो अभी मीका सर ने कहा, ये मेरे स्कूल टाइम पे चला आ रहा है, एवरीवन हु कॉल्स मी स्टार्ट्स विद दैट। सो टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, मैं क्या कहूँ, इट्स सच एन अमेजिंग ट्रैक, मतलब सच अ रोमांटिक ट्रैक, एंड इट्स बीइंग संग बाय नन अदर देन मीका सिंह सर, एंड ही इज सो फैबुलस। मतलब मैं इनसे जब मिली थी, आई हैव नोन हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, बट मैं इनको इनफैक्ट लंबे टाइम से नहीं जानती, बिकॉज वी ऑल नो मीका सिंह सर, यू नो, ऑन टीवी एवरीवेयर, जस्ट एवरीवेयर आई वुड से, यू हियर हिज सॉन्ग, लाइक एवरी थर्ड ट्रैक इज हिज, एवरी टाइम आई एम ड्राइविंग इन द कार इट्स हिज सॉन्ग प्लेइंग। सो हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे उनके साथ एक सॉन्ग कर रही हूँ, इट कुडंट बी बेटर देन दिस, वे नॉट। एंड मतलब सर के साथ इनफैक्ट व्हेन आई got to meet him for the first time, I heard him singing, I realized, I told him one thing, that sir, he baaki log gaate hain, auto tune hota hai, bahut difference aata hai, but he's exactly how you hear it, how you actually, you know, listen to the song in the final manner, this is the actual way that he sings, unki awaaz hi aisi hai ki na to koi processing ki zarurat hai na auto tune ki, I mean, so It is such a wonderful opportunity that I have today, and sir chose me for this. I mean, I'm really feeling blessed. About Amir, he's such a wonderful, sweet guy, and he helped me so much because he's very senior to me, and he, you know, helped me in everything, you know, by showing me how to face the camera, how to, you know, about small intricate details. He helped me there without even me asking for it. So he's such a helpful guy. I mean, and he has just no attitude and so grounded. Yeah, thoda sa hai. But he's so grounded, and I didn't feel at all that I'm working with someone that I don't know. He really helped me a lot. And about Toshi and Sharif, what do I say? I mean, I know their song so well. They are such great at what they're so good at what they do. I mean, itna acha composition, itna acha music. I mean, I'm a fan of this song, but just not of this song.
टू रिलेटिवली सो मेनी ऑफ देयर सॉन्ग्स. बहुत ही ये जो टीम है, आई मीन इट इज अ रियली अ ड्रीम प्रोजेक्ट यू नो, कि इस तरह से लॉन्च होना. और आपने भी फाइनल प्रोडक्ट देखा, आई मीन आई सॉ इट एंड आई वाज लिटरली अमेज्ड एंड आई वाज फीलिंग वेरी वाव अबाउट इट. मैं खुद इस ट्रैक को रिपीटेडली सुन रही हूँ एंड इट्स अ रोमांटिक ट्रैक व्हिच गेट्स इनटू योर वे. सो आई होप यू शावर दिस सॉन्ग एज मच एज लव एज यू हैव ऑलवेज शावर्ड ऑल देयर वर्क अप टिल नाउ. इनकी एक विश थी कि ये कपिल पाजी का शो, ये उनको बहुत प्यार करते हैं, हम सब प्यार करते हैं एंड वो हमारी बिल्डिंग में है. और इस बात का मुझे बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरी बिल्डिंग में है. कई बार मैं ज़बरदस्ती बोलता कल आ रहा हूँ मैं तुम्हारे शो पे, तो इतना हमने एक दूसरे को हक दिया हुआ है. तो भाई साहब को पता चला मैं जा रहा हूँ कपिल पाजी के शो पे, अब दोनों कभी एक पूल टेबल खेलने आ रहे, कभी ये मिठाई लेके आ रहे, कभी मुद्दे की बात नहीं कर रहे क्या चाहिए. मैं भाई ठीक है चाहिए क्या भाई, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए भाई, आपसे प्यार है ये है. मैं प्यार तो ठीक है लेकिन बस भाई सोचा बस भाई के साथ बैठना है. तो मैं क्या बता करना का भाई कपिल पाजी के शो में लेके जाना हूँ. तो मैं क्या पहले तुम 10 गानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि तुम अब मिडास टच हो गए. आपने देखा बैक टू बैक 3 गाने आए हैं विद इन 3 वीक्स में, राइट? 3 हफ्तों में 3 गाने आ गए जी. मैं क्या उसके बाद तुम हाथ में आने वाले, मेरे देखो 10 गाने साइन करके दो, फिर तुम्हें मैं हर जगह लेके जाऊँगा. बेचारों ने बहुत प्यारे गाने बनाए हैं एंड आई एम श्योर के आने वाले गाने हमने ओल्ड इज गोल्ड हम करेंगे कुमार शानू जी, अलका जी, ये तो इन सभी के साथ हमें एक गाना